नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। भारत की बड़ी जीत, ब्रिक्स घोषणा पत्र में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठनों का जिक्र, पाकिस्तान को लगेगा झटका। नरेंद्र मोदी ने चीन में कहा, डिजिटल अर्थव्यवस्था से विकास की गति में तेजी आएगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, गुजरात में चुनाव को लेकर डरे हुए हैं भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी। IPL प्रसारण अधिकार 16,347 करोड़ रुपए में स्टार इंडिया ने खरीदे। अरुण जेटली मानहानि मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर लगाया 5,000 रुपए का जुर्माना। उत्तर कोरिया के हाइड्रोजन बम परीक्षण के बाद अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट। नई रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, सेना में महिलाओं की लड़ाकू भूमिका पर खुले दिमाग से सोचूंगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा, मजिस्ट्रेट की नियुक्ति के बाद ही सुरक्षा बल डेरा मुख्यालय में प्रवेश करेंगे। यूपी के फरुखाबाद अस्पताल में गोरखपुर जैसा कांड, एक माह में 49 बच्चों की मौत। कर्नाटक के पूर्व मंत्री जी जनार्दन रेड्डी की जमानत शर्तों में ढील देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। शिवसेना का केंद्र सरकार पर हमला, कहा देश को अच्छे दिनों का इंतजार। जदयू नेता शरद यादव ने कहा, नोटबंदी से 3 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। सोमालिया के सैन्य अड्डे पर हमले में 20 आतंकवादी ढेर, कई अन्य घायल। ये थी आज की खास खबरें। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।